होंगे, एक्सेसिवली काम करेंगे. जब ये एक्सेसिवली काम करेंगे तो एक्सेसिव सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होगी, एक्सेसिव सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होगी तो यही तो नियोप्लेजिया का करेक्टरिस्टिक है. अब किस तरह इनके अंदर म्यूटेशन आती है और ये एक्सेसिव काम करेंगी, ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि नॉर्मली ये किस तरह से सिग्नल्स देके सेल की ग्रोथ करती हैं. और फिर हम देखेंगे कि अगर उस सिग्नल्स में, उस पाथवे में म्यूटेशन आती है तो कैसे एक्सेसिवली सेल ग्रो करेगा. ठीक है, सो ये समझने के लिए हमें पहले क्या देखना है, नॉर्मल पाथवे देखना है ग्रोथ का, जो कि ऑनको जीन रेगुलेट करती हैं, प्रोटोन को, प्रोटोन को नॉर्मल करती हैं, और ऑनको जब वो म्यूटेटेड हो जाती हैं कैंसरस हो जाती हैं. ठीक है, सो बात करते हैं बुक के अंदर, इसका बड़ा अच्छा पिक्चर से भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. नॉर्मली क्या है आपके पास, प्रोटो ऑनको जीन्स है, और ये क्या बनाती हैं, प्रोटो ऑनको प्रोटीन्स. अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये डिफरेंट तरह के हैं और ये ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं, बात करते हैं. ये प्रोटो ऑनको जीन, प्रोटो ऑनको प्रोटीन में एक प्रोटीन बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स. ये ग्रोथ फैक्टर जो है ग्रोथ सिग्नल्स का पहला डोमेन है, ये बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या बना दी है, प्रोटो ऑनको जीन्स ने प्रोटो ऑनको प्रोटीन बनाया, और प्रोको ऑनको प्रोटीन में ये कौन सा प्रोटीन है, ये सबसे पहले आ गया हमारे पास ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर एक ग्रोथ रिसेप्टर पे जाकर अटैच होगा. ठीक है, ये यहां पे इतना हैजा तो नहीं होता, लेकिन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे क्या करना है, इस ग्रोथ फैक्टर ने अटैच होना है. जब ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे अटैच होता है तो ये आगे से ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक लाइगेंड प्रोटीन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है. किसको एक्टिवेट करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स को. इन सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, रास आ गया. ये जो रास है ये इनिशियली इनएक्टिवेटेड स्टेज में होता है, और इसने क्या बाइंड किया हुआ होता है अपने साथ, जीडीपी. इसकी डिटेल आगे भी पढ़ाऊंगी. ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे मिलता है, लाइगेंड के थ्रू इसको सिग्नलिंग मिलती है, तो ये जीडीपी को हटा के अपने साथ क्या अटैच कर लेता है, जीटीपी अटैच करता है. जब ये जीटीपी अटैच करता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है. ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, पूरे कैस्केड के थ्रू सिग्नल देगा किसको, न्यूक्लियस को. ठीक है, किसको सिग्नल देगा, ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को. सो हमारे पास पहले ग्रोथ फैक्टर की अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के बाद सिग्नल्स आए, सिग्नल ने सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई, और सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद सिग्नल्स चले गए ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को. यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है और मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनने और बहुत सारी चीजें बननी है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल साइक्लिन्स बनने हैं. सही है, साइक्लिन्स जब बनेंगे तो आपके पास क्या कर दिया जाएगा, सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. सेल साइकिल में कौन सी फेजेस होती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उनको इनिशिएट किया जाएगा, और सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो जो सेल की डिवीजन होती है वो इस तरह से होती है. ठीक है, कैसे डिवीजन होती है, कि ये जो प्रोंको प्रोटो ऑनको जीन्स हैं ये इनकोड करती हैं प्रोको ऑनको प्रोटो ऑनको प्रोटीन्स के लिए. उन प्रोटीन्स में आता है ग्रोथ फैक्टर, दूसरा उनमें आता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, तीसरा उनके अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स है. ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है इसको कौन कोड करता है, प्रोटो ऑनको जीन. अगर प्रोटो ऑनको जीन में म्यूटेशन हुई और इसमें म्यूटेशन आ गई तो ये पाथवे सारे का सारा म्यूटेटेड हो जाएगा, एक्सेसिव ऑल्टरेशन प्रोलिफरेशन होगी और नियोप्लेजिया हो जाएगा. ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन जिसमें हमारे पास आ जाता है रास आ जाता है एबीएल आ जाता है, उसके लिए भी कौन कोड करती है, प्रोटो ऑनको जीन्स. ठीक है, ना सिर्फ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के लिए बल्कि यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन जीन्स हैं उनके लिए भी प्रोटो ऑनको जीन ही कोड करती है. सो ट्रांसक्रिप्शन जीन जिनमें से कॉमन है MYC, जो के आगे बनाएगी साइक्लिन्स. ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन्स है, साइक्लिन या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, उसके लिए भी कौन कोड करती है, कोड करती है प्रोटो ऑनको जीन. ये जब एक्टिवेटेड फॉर्म में चला गया रास और इसने सिग्नल दिए, ट्रांसक्रिप्शन कराई, और आपके पास जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स और सेल साइकिल को प्रोसीड किया, ये बड़े शॉर्ट लिव स्टेज के लिए एक्टिव होता है. इसको इनएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे GTPases होती हैं जो इसको इनएक्टिवेट कर देती है इनएक्टिवेटेड स्टेज में. फिर अगर सिग्नल आएंगे तो फिर इसने ग्रो करना है, ये नॉर्मली हो रहा है. लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे ये जो प्रोटो ऑनको जीन, वो वाले प्रोटो ऑनको प्रोटीन जो ग्रोथ फैक्टर बनाते हैं, अगर इनमें म्यूटेशन आ गई और एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर बना, एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर बनेगा तो एक्सेसिव एक्टिवेशन, एक्सेसिव एक्टिवेशन तो एक्सेसिव ट्रांसडक्शन, एक्सेसिव ट्रांसडक्शन तो एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन, एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन तो एक्सेसिव प्रोटीन्स, और एक्सेसिव प्रोटीन्स तो एक्सेसिव सेल डिवीजन और नियोप्लेजिया. अगर हमारे पास प्रोटो ऑनको जीन जो कोड करती हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के लिए, अगर रिसेप्टर्स में कोई भी ऑल्टरेशन आ गई, म्यूटेशन आ गई, तो भी आपके पास नियोप्लेजिया. अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में म्यूटेशन आ गई या इस पाथवे में मसला आ गया तो भी आपके पास क्या होगा, नियोप्लेजिया, कार्सिनोजेनेसिस में ये कंट्रीब्यूट करेगा. और अगर सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन
जीन्स में, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, एम वाई सीन जो कॉमनली बहुत ट्यूमर्स में पाई जाती है, अगर इसमें ऑल्टरेशन हुई तब भी क्या हो जाएगा, कैंसर। तो आपको एक बात समझ आ गई कि जो सेल्फ सफिशिएंसी इसने अटेन करनी है खुद, ये बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर रास के अंदर म्यूटेशन आती है तो क्या ये फैक्टर के ऊपर या रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करे वो करेगा रिलाई करेगा? नहीं। अगर इसमें म्यूटेशन आ गई, एक्सेसिवली स्टिमुलेट होगा, जितना ये स्टिमुलेट होगा उतना ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा और उतनी ज्यादा क्या करना शुरू कर देगा, ग्रोथ। सेम एज अगर रिसेप्टर में म्यूटेशन आ गई तो इसको क्या ग्रोथ फैक्टर की अटैचमेंट चाहिए? नहीं चाहिए, ये एक्टिवेटेड स्टेज में रहेगा और सिग्नल्स देता रहेगा। और ग्रोथ फैक्टर में भी म्यूटेशन हो सकती है, कैसे अभी हम बात करते हैं। तो ये इन पांच स्टेप्स पे म्यूटेशन हो सकती है जो जिसकी वजह से वो सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर लेगा ग्रोथ सिग्नल्स में, किसी और के ऊपर बाहर के सिग्नल पे डिपेंड नहीं करेगा और एक्सेसिव ग्रो करके नियोप्लेजिया डेवलप करा देगा। ठीक है, तो ये एक आपको थोड़ी सी बेस समझ आ गई कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ फैक्टर में क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि ये नॉर्मल पाथवे किस तरह से ऑल्टर हो सकता है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं समझना था, बस ये बात थी कि जो आपका न्यूप्लेजिया है उसके हॉल मार्क्स में ये है कि इसके पास क्या आ जाते हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ फैक्टर्स और उनमें सेल्फ सफिशिएंसी आ जाती है जिसकी वजह से वो एक्सेसिवली ग्रो करता है। बल्कि यहीं पे तेज तेज बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी म्यूटेशन हो गई, ठीक है, क्या हो गई, कोई भी म्यूटेशन हो गई और उस म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटो ऑनको जीन्स थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, ऑनको जीन्स में। और जब वो ऑनको जीन्स में कन्वर्ट हुई तो उन्होंने ऑनको प्रोटीन्स बनाने, और ऑनको प्रोटीन्स तो डिफरेंट तरह के हैं, सबके अंदर म्यूटेशन आ जाएंगी। सबसे पहली बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर की, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर जाके रिसेप्टर पे लगता है और फिर ही सारी बात स्टार्ट हो जाती है ना। अब होता यूं है कि नॉर्मली ग्रोथ फैक्टर आता है और उसके ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेशन होती है, लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं या तो ये अपने सेल्फ अपने बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कैंसर सेल्स होते हैं ये अपने ग्रोथ फैक्टर बनाना शुरू कर देंगे, या ये स्ट्रोमल सेल्स को बोलेंगे कि हमारे लिए ग्रोथ फैक्टर्स बनाओ, या क्या करेंगे, स्ट्रोमल सेल्स को बोलेंगे हमारे लिए ग्रोथ फैक्टर बनाओ। अब उसने बात की हुई है कि अगर ये एक सेल है और ये कोई ग्रोथ फैक्टर बना रहा है तो ये ग्रोथ फैक्टर इसी के ऊपर नहीं लगता, बल्कि ये ग्रोथ फैक्टर जाके क्या लगता है, सराउंडिंग सेल पे या एडजेसेंट सेल्स पे जाके लगता है और काम करता है, और ये एक बेसिक रूल है। लेकिन कैंसर सेल इस रूल को नहीं मानते, खराब कर देते हैं। अब यूं उसने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास क्या है, ग्लायोब्लास्टोमा, ठीक है, क्या है पेशेंट को, ग्लायोब्लास्टोमा ब्रेन का ट्यूमर है, ग्लायल सेल्स में होता है। अब होता यूं है ग्लायोब्लास्टोमा में कि ये जो एक ग्लायल सेल्स है, ये ग्लायल सेल्स क्या करते हैं, खुद ही प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर बनवाते हैं और फिर खुद ही उनके लिए क्या रखते हैं, रिसेप्टर रखते हैं। तो ये प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर इसी के ऊपर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर के ऊपर आके लगेगा। जब ये रिसेप्टर के ऊपर आके लगेगा तो रिसेप्टर्स को सिग्नल जाएंगे, रिसेप्टर्स को अंदर सिग्नल जाएंगे तो ट्रांसडक्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, प्रोटीन्स बनेंगे और सेल की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये अपने ग्रोथ फैक्टर बनाएंगे और वो इसके ऊपर एक्ट करेगा और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये करते हैं कि खुद ग्रोथ फैक्टर बनाना शुरू कर देते हैं और खुद ही उनके लिए रिसेप्टर भी पोजेस करते हैं और प्रोलिफरेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। सेम एज ग्लायोब्लास्टोमा के साथ साथ उसने सार्कोमा की भी बात की, कहते हैं बहुत सारे सार्कोमास क्या करते हैं, सार्कोमा के जो सेल्स होते हैं वो खुद ट्यूमर या टिश्यू ग्रोथ फैक्टर रिलीज करना शुरू करते हैं, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा, और ये अपने ऊपर ही आके लगता रहता है और यूं उनका एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चलता रहता है और एक्सेसिव ग्रोथ होती रहती है। एक तो तरीका यह है कि इन्होंने खुद बना लिया, दूसरा तरीका यह है कि ये क्या करते हैं, स्ट्रोमल सेल्स को, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक ट्यूमर सेल है तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल्स देता है किसको, स्ट्रोमल सेल्स को, और स्ट्रोमल सेल्स को कहता है कि ग्रोथ फैक्टर बनाओ और ये ग्रोथ फैक्टर आके फिर इस ट्यूमर सेल के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे ही एक्ट करते हैं तो फिर ये सारा वाला पाथवे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बाहर से बॉडी के कंट्रोल्ड ग्रोथ फैक्टर के ऊपर रिलाई करना छोड़ दिया, या तो अपने ग्रोथ फैक्टर बनाए या स्ट्रोमल सेल्स को कह के अपने लिए ग्रोथ फैक्टर बनवाना शुरू कर दिए और फर्दर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रोथ फैक्टर की सेल्फ सफिशिएंसी समझ आ गई। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्या हो सकता है, जो ग्रोथ रिसेप्टर है, ग्रोथ रिसेप्टर की जो फैमिली है, अगर ग्रोथ रिसेप्टर फैमिली में म्यूटेशन है या ऑल्टरेशन है, या किस तरह से ग्रोथ रिसेप्टर फैमिली बाहर के ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इसकी बात करते हैं। कहता है नॉर्मली ये जो रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टर के पास या तो इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी होती है, या फिर ये जो रिसेप्टर हैं ये डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके, जैसे हमने यहां पे देखा, डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके फर्दर प्रोसेस को कहां लेके चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन तक, और ट्रांसक्रिप्शन से आगे सेल डिवीजन तक। अब इन ऑनको प्रोटीन्स के अंदर जो ऑनको प्रोटीन कोड करते हैं ग्रोथ रिसेप्टर फैमिली के लिए, ग्रोथ रिसेप्टर फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्ड करते हैं, इनके अंदर दो तरह से मसले आ सकते हैं, या तो ग्रोथ फैक्टर जो है, सॉरी ग्रोथ रिसेप्टर जो है, इनकी ओवर एक्सप्रेशन शुरू हो जाए, क्या शुरू हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन, या फिर इनमें क्या आ जाए, म्यूटेशन आ जाए।
ओवर एक्सप्रेशन से ये मुराद है कि ये एक रिसेप्टर है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ तीन तीन जो है वो ग्रोथ फैक्टर है, लेकिन ये इसके लिए इतना ज्यादा ओवर एक्सप्रेस करेंगे कि ऐसे सिग्नल्स अंदर ट्रांसमिट करेंगे जैसे हजारों सिग्नल्स प्रेजेंट थे, हजारों ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट थे, तो उतनी ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिशन करेंगे और उतनी ज्यादा सेल डिवीजन होगी। या तो ये क्या करते हैं, ओवर एक्सप्रेस करते हैं, या फिर इनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है और उस म्यूटेशन की वजह से भी ये कंटिन्यूसली डाउन स्ट्रीम सिग्नल्स देते रहेंगे दिखते रहेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अंदर दो तरह की मसले हो सकते हैं, या तो वो ओवर एक्सप्रेस करेंगे या फिर उनके अंदर म्यूटेशन आ जाएंगी। अब जो उनका ओवर एक्सप्रेशन है, पहले हम उसकी बात करेंगे और उसके लिहाज से उसने बड़ी एग्जाम्पल दी हुई है कि ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं इसके अंदर दो मसले हो सकते हैं। एक मसला ये आ गया कि इनका ओवर एक्सप्रेशन हो गया। क्या हुआ, ओवर एक्सप्रेशन हो गया और थोड़े से ही ग्रोथ फैक्टर को ये एक्सेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और यू एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन और न्यूप्लेजिया कॉज करते हैं। और इसके लिए उसने बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दी हुई है, कहता है हमारे पास एपिथीलियल ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की फैमिली होती है और उसमें एक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है जिसका नाम है ERBB1। ठीक है, एपिथीलियम के ऊपर एक रिसेप्टर है जिसका क्या नाम है ERBB1। इसकी ओवर एक्सप्रेशन देखी गई बहुत सारे कार्सिनोमास में, जैसे कि स्क्वैमस सेल लंग कार्सिनोमा में हमने देखा मसला क्या था कि ERBB1 में 70% लोगों में इस रिसेप्टर की ओवर एक्सप्रेशन हुई हुई थी। इसी तरह ग्लायोब्लास्टोमा के अंदर भी क्या था, इसकी ओवर एक्सप्रेशन हुई हुई थी। सो ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ट्यूमर फर्दर प्रोग्रेस कर रहा था और हेड और नेक के जो एपिथीलियल ट्यूमर्स थे उनमें भी यही मसला मिला हमें कि ERBB1 जो वहां पे रिसेप्टर है ये ओवर एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है, ना सिर्फ ERBB1 बल्कि ERBB2 ये एक और रिसेप्टर है जो कि जिसका दूसरा नाम HER2 भी है। ये HER2 जो है अगर ये ओवर एक्सप्रेस हुआ हुआ होगा तो क्या हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा लंग्स का, ओवरी स्टमक्स वगैरह का भी हो सकता है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है, जब हमें ये पता चला कि HER2 के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से, क्योंकि मसला और नहीं है, ग्रोथ फैक्टर बिल्कुल नॉर्मल है, आगे भी कोई मसला नहीं है, बस ये ओवर एक्सप्रेस हुआ हुआ है जो इनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो करता है और बहुत एक्सेसिव सिग्नल देता है और एक्सेसिव ट्रांसक्रिप्शन और न्यूप्लेजिया कॉज कर रहा है, तो हमने सिलेक्टिवली हर को ब्लॉक किया और कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स थे उनमें काफी ज्यादा इससे फायदा हुआ। ठीक है, तो हर के स्पेसिफिक हमने क्या डेवलप कर लिए, एंटी हर डेवलप की और उनको दे के हम क्या कर सकते हैं, जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो इस रिसेप्टर की ब्लॉकेज की वजह से न्यूप्लेजिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो एक बात ये हो गई कि जो रिसेप्टर फैमिली है उसके अंदर ओवर एक्सप्रेशन हो सकती है। ओवर एक्सप्रेशन कौन से रिसेप्टर और कौन से ट्यूमर्स में देखने में आई, ERBB1 अगर ओवर एक्सप्रेस है तो ये लंग कार्सिनोमा, ग्लायोब्लास्टोमा और एपिथीलियल ट्यूमर वगैरह कॉज कर रहा है और उन ट्यूमर में रीजन हमें यही मिली कि ये ओवर एक्सप्रेस था। दूसरी बात यह है कि हर के अंदर या ERBB2 के अंदर ये एपिथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से वहां पर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा था। ठीक है, तो हमने कहा रिसेप्टर में एक मसला ये हो सकता है कि ये ओवर एक्सप्रेस है, दूसरा मसला ये हो सकता है रिसेप्टर के अंदर कि उनके अंदर क्या हुई हुई होगी, म्यूटेशन हुई हुई होगी। जाहिर है जब उनके अंदर म्यूटेशन होगी तो वो क्या करेंगे, एक्सेसिव सिग्नल्स पास करेंगे विदाउट इवन ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर है ही नहीं लेकिन फिर भी इनके अंदर म्यूटेशन है तो एक्सेसिव सिग्नल पास करेंगे और एक्सेसिव सिग्नल जब पास करेंगे तो नियोप्लेजिया हो जाएगा। और म्यूटेशन कब मिलती है हमें, बहुत सारे ल्यूकीमियाज में हमने देखा कि रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन थी, लिम्फोमा में हमने देखा कि रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन थी और सार्कोमास वगैरह में भी हमें रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन मिली। तो अभी तक जो सेल सफिशिएंसी में हमने बात कर ली वो ये की कि या तो इसके पास अपने ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, और ग्रोथ फैक्टर कैसे आते हैं, या तो उसने खुद बना लिए या उसने स्ट्रोमल सेल से हासिल किए, या दूसरी बात यह है कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वाली जो फैमिली है इस फैमिली के अंदर ओवर एक्सप्रेशन हुआ हुआ है या म्यूटेशन हुई हुई है। ओवर एक्सप्रेशन ERBB1 का है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वगैरह में देखा गया, या फिर ERBB2 का ओवर एक्सप्रेशन नजर आया हमें ब्रेस्ट कैंसर में जिसे HER2 भी कहते हैं, या म्यूटेशन है और म्यूटेशन की वजह से भी एक्सेसिव सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है और नियोप्लेजिया हो सकता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है